नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गजेंद्र सिंह शेखावत, दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। पार्टी में शामिल होने के बाद सिरसा ने कहा कि अमित शाह और जेपी नड्डा का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे पार्टी में शामिल करवाया। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि उत्तर भारत की राजनीति में सिख चेहरों में जो चेहरा दिमाग में आएगा वो सिरसा का ही आएगा। इनको मैं बीजेपी परिवार में शामिल कराता हूँ। पंजाब चुनाव में इसका लाभ होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीजेपी के लिए शुभ दिन है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने के शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिम्मेदारी से मुक्त होकर वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनको जेपी नड्डा और अमित शाह ने भी शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि बीजेपी में शामिल होने से ठीक पहले सिरसा ने दिल्ली के सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही DSGMC का आंतरिक चुनाव नहीं लड़ने का भी फैसला लिया। उन्होंने कहा कि निजी कारणों से दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूँ। देश और दुनिया के सिखों ने काफी मान बख्शा है। अगले चुनाव से भी खुद को दूर रखूंगा। अपने सदस्य शुभचिंतकों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अब तक मेरा साथ दिया। देश भर के सिखां दे कुछ मसलियां दे उत्ते गलबात कीती। मैनूं इस गल दी बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि ना केवल उन्होंने बल्कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नाल भी गल करा के इस गल नूं कहा कि मैं ये सारे मसले असीं हल करना चाहुंदे आं। असीं चाहुंदे आं कि जिहड़ी साडी सब तों देश का गौरवमई कौम है सिख कौम, जिस दे उत्ते पूरी दुनिया नूं माण आ, सानू भी माण आ, इहनां दा हर मसला हल होना चाहीदा है। और मैं अज सब तों पहलां दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी तों अपने आप नूं मुक्त कीता क्योंकि उत्थे भी मैनूं बहुत माण मिलिया। और मैं नहीं चाहुंदा सी कि संदेश यह जावे कि शायद दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की प्रधानगी बचाउण लई जां कुर्सियां बचाउण वास्ते मैं ये पार्टी को ज्वाइन कर रहा, पर मैं समर्पित होकर अपनी कौम के पिछे अपनी कम्यूनिटी की गल वास्ते, क्योंकि देश के दे अंदर 70 साल तो जोड़े मुद्दे अज भी खड़े ने, भावें वह डोंगमार गुरद्वारा सिक्के मंदिर होवे, भावें वह शिलोंग के सिखा का मसला होवे, श्रीनगर के कश्मीर के जम्मू कश्मीर के सिखा का मसला होवे जिथे उन्होंने अज तक नौकरियों रिजर्वेशन नहीं मिले, उन्होंने हक नहीं मिले। हरिद्वार जिले की 5 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें लक्सा विधानसभा से पूर्व बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद का टिकट कंफर्म हो चुका है। तो वहीं लक्सा बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर बसपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद का भव्य स्वागत कर खुशी का इजहार किया। वहीं मोहम्मद शहजाद ने बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का भी आभार व्यक्त किया। बहन कुमारी मायावती जी, उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री, ने मेरे पर यहाँ के कार्यकर्ता पर विश्वास व्यक्त किया है। मेरा प्रयास हुआ कि उनके विश्वास को के ऊपर मैं खरा उतरने का काम करूँ। पूरे कार्यकर्ता मन और योग से मेरे साथ हैं और सब एकजुटता के साथ काम करें। निश्चित तौर पर आने वाला समय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का होगा, ये मेरा विश्वास है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने वन्य जीव तस्करी पर सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें कि सेंचुरी एरिया में वन्य जीवों को मारने के लिए सक्रिय शिकारी दलों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। मंगलवार को वन्य जीव प्रभाग ने मंडल घाटी के गवार गांव में एक व्यक्ति के घर से हिमालयन थार का मांस बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने गाँव में छापेमारी की। फिलहाल मामले की जाँच चल रही है। वही वन प्रभाग ने मांस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर बाकी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। वहीं नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन और बद्रीनाथ वन्य जीव प्रभाग की ओर से भी वन्य जीव तस्करी को लेकर गश्त की जा रही है। कल शाम मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सभा ग्वार के कुछ निवासियों द्वारा हिमालयन थार का अवैध शिकार करके गांव में लाया गया है। सूचना प्राप्त होने पर विभागीय टीम को मौके पर भेजा गया, जहां पर वास्तव में दबिश के दौरान एक व्यक्ति के घर से मांस बरामद हुआ। उस व्यक्ति के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगे की कार्यवाही की जा रही है। लक्सर में आने वाले चुनाव के लिए मतदाताओं के बीच जागरूकता लाने के उद्देश्य से बुधवार को SDM लक्सर वैभव गुप्ता की तरफ से हरी झंडी दिखाकर तहसील परिसर लक्सर से मतदाता जागरूकता अभियान रथ को रवाना किया गया।
ऐसे में एसडीएम वैभव गुप्ता ने कहा कि ये जागरूकता रथ शहर और गांव-गांव में घूमकर लोगों को ईवीएम के बारे में जानकारी देगा। एसडीएम ने बताया कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ईवीएम को लेकर जो भ्रम फैला है वो ना रहे और जिसको वोट देते हैं वो उसी को वोट दे। लोगों को यही जागरूक किया जा रहा है कि वास्तव में जो कभी कभार ईवीएम को लेकर जो भ्रांतियाँ होती हैं लोगों में वो ना रहें, उनका जो वोट होता है जिसको कैंडिडेट को कास्ट करते हैं उसी को जाता है। तो उनकी जो भी 7 सेकंड के लिए जो वीवीपैट की पर्ची कटती है वो किस प्रकार से कटती है और क्या प्रक्रिया है वो पूरी उनको समझाई जाएगी ताकि वो अपना जो मतदान का जो अधिकार का प्रयोग है पूरे निष्पक्ष तरीके से कर सकें।